हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इट्स योर सेकंड चैप्टर ऑफ ग्रामर, दैट्स नेम इज द नाउन। ओके, वैसे आप नाउन काफ़ी बार पढ़ चुके हो, आपको सबको पता है नाउन क्या होती है। हिंदी मीनिंग इज संज्ञा और पर्सन प्लेस एनिमल थिंग का जो नेम होता है वो नाउन होती है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट्स सी, द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग और इमोशन इज कॉल्ड अ नाउन। पर्सन नेम, प्लेस नेम, एनिमल नेम, थिंग नेम और इमोशन, जो हम फील करते हैं, भावनाएं, वो सब क्या है, नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, सारी की सारी नेमिंग वर्ड्स, जो सारी नाम वाली चीज़ें हैं, वो सब नाउन्स हैं। एग्जाम्पल, मैनी प्लेट्स वर ब्रोकन, यहाँ प्लेट्स नाउन है। पुट दीज बुक्स ऑन दोज शेल्व्स, ठीक है, तो बुक्स नाउन है और शेल्व्स भी नाउन है। उसके बाद All the colored words in the above sentences are naming words. सारे भी ये जो colored words हैं ना, plates, books, shelves, ये सब तीनों क्या हैं, naming words यानी nouns हैं। अब हम देख लेते हैं kinds of nouns, कितने प्रकार की, कितने टाइप की होती है noun. Nouns can be classified into five categories. Five categories में divide किया गया है। One, common noun. Second, proper noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. और fifth, abstract noun. Let's start with our first kind, that's name is common noun. A common noun is the name of every person, place or thing of the same class, kind or group. Common noun उस हर आदमी, place, person और thing का नाम है जो एक ही class से, एक ही kind से और एक ही group से belong करते हैं। जैसे example, my uncle and aunt are taking lunch. Uncle और aunt, सारे अंकल्स को हम अंकल ही बोलते हैं, आंट को आंट बोलते हैं। लंच दोपहर में किया जाने वाला खाना, चाहे कोई भी खा रहा हो, वो कुछ भी हो उसमें खाने में, वो लंच है। तीनों एक ही कैटेगरी से, अलग अपनी अपनी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन है। सेकंड इज, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। डॉग यानी सारे डॉग, चाहे वो किसी भी टाइप का हो एनिमल, सारे एनिमल्स सब क्या है, ये एक फेथफुल एनिमल है। तो ये डॉग और एनिमल, अंकल आंट और लंच, ये सब क्या है, आपकी कॉमन नाउन्स है। जैसे द वर्ड्स इन द अबव एग्जांपल्स, अंकल आंट लंच डॉग एंड एनिमल आर कॉमन नेम्स फॉर पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड के पर्सन और थिंग के लिए ये सारे नाम क्या हैं, कॉमन है। सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, इस तरह की नाउन्स कॉमन नाउन कही जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of a particular person, place or thing. Proper noun किसी person, place or thing का एक particular नाम होता है, या एक particular person, place, thing का नाम ही क्या है, एक proper noun है। जैसे हम देखते हैं example, सचिन is a good player. सचिन एक लड़के का नाम है, boy है, लेकिन उसका नाम दे रखा है, तो ये proper noun है। ताजमहल is a beautiful building. ताजमहल एक सुंदर बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन है। द वर्ड्स सचिन एंड ताजमहल आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, सच नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। सचिन और जो ताजमहल है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग का नाम है, और इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा ही एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। द नेम्स ऑफ मंथ्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, मोन्यूमेंट्स, स्पेशल डेज एटसेट्रा आर प्रॉपर नाउन्स। इन सब के नेम प्रॉपर नाउन में आते हैं, चाहे मंथ नेम हो, रिवर का नाम हो, माउंटेन का नेम हो, ओशन का नेम हो, किसी मोन्यूमेंट का नेम हो, या फिर कोई स्पेशल डे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल से हम कॉमन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। कॉमन नाउन में अगर बॉय है, तो प्रॉपर नाउन में जॉन नाम होगा किसी लड़के का। कॉमन नाउन अगर गर्ल है, तो प्रॉपर नाउन मैरी किसी लड़की का नाम होगा। सिटी अगर कॉमन नाउन है, तो आगरा किसी भी सिटी का नाम ले सकते हो आप प्रॉपर नाउन में। कंट्री कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन। लीडर कॉमन नाउन, कोई भी लीडर हो सकता है, लेकिन नेहरू प्रॉपर नाउन हो गया, किसी स्पेशल लीडर का नाम हो गया। टेंपल कॉमन नाउन, बिरला मंदिर प्रॉपर नाउन, एक मंदिर का, एक टेंपल का स्पेशली नाम दे दिया, ठीक है। साइंटिस्ट कोई भी वैज्ञानिक हो सकता है, कॉमन नाउन। और एडिशन प्रॉपर नाउन, किसी एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट का नाम बता दिया। किंग कॉमन नाउन, अकबर प्रॉपर नाउन। किंग कोई भी राजा हो सकता है, और उस राजा का नाम बता दिया किसी का स्पेसिफिक, अकबर, तो वो प्रॉपर नाउन। बुक कोई भी बुक हो सकती है, कॉमन नाउन। द रामायण प्रॉपर नाउन, ओके, स्पेसिफिक बुक का नाम आ गया। सोप
कोई भी सोप हो सकती है कॉमन में, लेकिन लक्स नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन, यानी कोई भी नाम दे दिया ना अगर उसका स्पेशली स्पेसिफिक नेम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन है। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स दैट आर सिमिलर टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, वो पर्सन और थिंग का एक कलेक्शन होती है। दैट आर सिमिलर टेकन टुगेदर, वो समान होते हैं, एक साथ रखे जाते हैं, स्पोकन एज अ होल, एक साथ बोले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, देर वॉज अ ह्यूज क्राउड एट द ताजमहल, वहाँ ताजमहल पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी, तो क्राउड, उस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, उन सब लोगों को एक साथ एक कलेक्शन में क्या बोलेंगे, क्राउड। तो ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन। द बंच ऑफ कीज इन इज ऑन द टेबल, बंच चाबियों का गुच्छा, उस पूरे गुच्छे को बंच बोलेंगे, और बंच उन सबका कीज का कलेक्शन है, इसलिए बंच कलेक्टिव नाउन हुआ। द वर्ड्स क्राउड एंड बंच आर वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, सच नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। कंपेयर द नाउन्स अंडर ए एंड बी। ठीक है, इसमें क्राउड और बंच एक लोगों के ग्रुप के लिए और एक थिंग के ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है, इस तरीके की नाउन्स कलेक्टिव नाउन कही जाती हैं। अब हम ए और बी को कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरीके से ये अ ग्रुप को बताते हैं। जैसे अ ग्रुप अ शिप इज कॉल्ड अ फ्लॉक। ठीक है, जो सॉरी, जैसे अ ग्रुप अ शिप इज कॉल्ड अ फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड अ क्लास, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड अ हर्ड। जो शिप का ग्रुप होता है उसे फ्लॉक कहते हैं, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसे क्लास कहते हैं, और कैटल का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड कहते हैं। तो इस तरीके से फ्लॉक क्लास और हर्ड तीनों क्या हैं, फ्लॉक क्लास और हर्ड तीनों आपकी कलेक्टिव नाउन हुई। ओके, कुछ और हैं, जैसे देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ कीज इज कॉल्ड अ बंच, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स इज कॉल्ड अ फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ क्राउड। इस तरीके से ये चारों वर्ड्स भी क्या हैं आपके यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। जैसे द नाउन्स अंडर कॉलम ए, शिप, स्टूडेंट्स, कैटल, कीज, शिप, सोल्जर्स एंड पीपल आर कॉमन नाउन्स, ये कॉमन है। द नाउन्स अंडर कॉलम बी, फ्लॉक, क्लास, हर्ड, बंच, फ्लीट, आर्मी एंड क्राउड आर कलेक्टिव नाउन्स, बिकॉज दे आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स और कलेक्शंस, क्योंकि वो ग्रुप्स और कलेक्शंस का नेम है। अब हम देखते हैं मटेरियल नाउन। फोर्थ, अ मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल ऑफ विच द थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो होता है जो उस मटेरियल का नाम है, ओके, और उस मटेरियल का नाम जिससे वो चीज़ बनी है। जैसे एग्जांपल, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर किससे बनी है, वुड से बनी है। तो चेयर तो क्या है, नाउन है, लेकिन वुड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि इस मटेरियल से चेयर बनी है। ओके, वी गेट बटर फ्रॉम मिल्क, बटर यहाँ पे नाउन है, बट मिल्क यहाँ पे मटेरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क से बटर बना है। ओके, द वर्ड्स वुड एंड मिल्क आर वर्ड्स विच स्टैंड फॉर द मटेरियल ऑफ विच द थिंग इज मेड, सच वर्ड्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। इस तरीके के वर्ड्स क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कंपेयर द नाउन्स अंडर ए एंड बी, अ चेयर इज मेड ऑफ वुड, ओके, अ पिक्चर इज मेड ऑफ क्ले, अ बैलून इज मेड ऑफ रबर, अ रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अ कॉट इज मेड ऑफ क्लोथ। इस तरीके से जो चीज़ जिससे बनी है वो मटेरियल आपका मटेरियल नाउन होगा। जैसे द नाउन्स अंडर कॉलम ए, चेयर, पिक्चर, बैलून, रिंग एंड कोट आर कॉमन नाउन्स। द नाउन्स अंडर कॉलम बी, वुड, क्ले, रबर, गोल्ड एंड क्लोथ आर मटेरियल नाउन्स, बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ द मेटल ऑफ विच थिंग्स आर मेड, क्योंकि ये उस मेटल का नाम है जिससे वो चीज़ें बनी है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू सम आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और एक्सप्रेशन। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम देखते हैं कि क्या होती है, इसके अंदर कुछ आइडिया या फिर कोई क्वालिटी या फिर कोई फीलिंग, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। ओके, और एक्शन, ठीक है, एक एक्शन भी इसमें शामिल किया जाता है, विच वी कैन ओनली थिंक अबाउट और फील, या तो हम उसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं या फिर उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी सीन, स्मेल्ट और टेस्टेड, उन्हें ना तो आप देख सकते हो, ना उनकी स्मेल आती है, ना उन्हें आप टेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल,
ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है. ऑनेस्टी यहाँ पे आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. पॉवर्टी इज़ नॉट अ कर्स, गरीबी एक अभिशाप नहीं है. तो पॉवर्टी जो है वो उसे आप फील कर सकते हो, थिंक सोच सकते हो उसके बारे में. ऑनेस्टी को आप फील कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन उसे देख नहीं सकते, उसकी स्मेल नहीं होती और उसका कोई टेस्ट नहीं होता. तो ये हुई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द वर्ड्स ऑनेस्टी एंड पॉवर्टी आर समथिंग दैट वी कैनॉट सी और टच बट ओनली कैन थिंक ऑफ. सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अरेंज बिलो अंडर फोर हेड्स. ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, जैसे फीलिंग्स से रिलेटेड हैं. सबसे पहले वो देखते हैं, जैसे जॉय, ग्रीफ, सोरो, फियर. अगर आप खुश हो, जॉय है, दुख है, ग्रीफ है, परेशानी में हो, दुख तकलीफ में हो, तो सोरो है, डर लग रहा है, तो फियर है. ओके, वैसे ही क्वालिटी ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी और मर्सी. एक्शन थेफ्ट, लाफ्टर, मूवमेंट, फाइट. स्टेट जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, पॉवर्टी. ओके, इस तरीके से ये क्या है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द ब्रांचेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. आर्ट और साइंस की जो ब्रांचेज, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर है, म्यूजिक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है. अब हम देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. नॉर्मली आप समझ सकते हो, काउंटेबल वो नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल वो नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते. लेट्स सी द फाइव काइंड्स ऑफ नाउन डिस्कस्ड अबव कैन बी पुट अंडर टू हेड्स. जो फाइव काइंड्स आपने ऊपर अभी डिस्कस किए, उन्हें आप दो तरीके से देख सकते हो, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल. इनमें भी वो सब आ जाती हैं. जैसे काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट. काउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, कप, पेन, हाउस एट्सेट्रा. कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स कैन बी इंक्लूडेड इन द लार्ज क्लास ऑफ काउंटेबल नाउन्स. कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन में इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट और यूजली डू नॉट काउंट. ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते जिन्हें वो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे राइस, स्वीट, सुगर, पेपर, क्लोथ, वाटर, मिल्क एट्सेट्रा. वी कैन नॉट से फॉर वाटर 7 मिल्क, 8 सुगर एंड 30 ऑयल. वी कैन से 1 ग्लास ऑफ वाटर, 3 बॉटल्स ऑफ मिल्क, 6 किलोग्राम्स ऑफ सुगर एंड 10 लीटर्स ऑफ ऑयल. मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉल इन टू दिस ग्रुप. मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं. ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट. सिर्फ काउंटेबल नाउन्स की ही प्लूरल फॉर्म होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स की नहीं होती है. ओके, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर रहा. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा. आपको नाउन की डेफिनेशन, उसके काइंड्स, टाइप्स, सब कुछ आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड